आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 77वां दिन है। रूस के हमले कम नहीं हो रहे हैं। और इस बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया कि रूस की योजना केवल डोनबास तक खत्म नहीं होगी बल्कि वो इस युद्ध को लंबा खींचेंगे। पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्दोवा पर भी हमला कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 77वां दिन है। रूसी हमले लगातार जारी हैं। मरियुपोल से लेकर खारकीव तक और लवीव से लेकर कीव तक, ये तमाम शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये डोनबास पर रूसी हमले की तस्वीर है। डोनबास पर बीते कुछ हफ्तों में रूस ने काफी बड़े हमले किए हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कैसे यूक्रेनी सेना लगातार रूस को करारा जवाब दे रही है। ये तस्वीरें खारकीव के उत्तर और उत्तर पूर्व के कुछ गांव की हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में शुरू से ही रूसी हमले हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना इसका लगातार जवाब दे रही है और यूक्रेनी सेना ने खारकीव के इन हिस्सों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया है। Важно, більшість військовослужбовців, які набираються до територіальної оборони, вони набираються в конкретній місцевості для конкретних завдань. В чому сила такого набору? Це в тому, що, до прикладу, мої підлеглі, вони не потребують ні карт, ні інших речей, у них карта в голові. Вони знають цю місцевість не по картам, вони і пішком пройшли колись. Халакі з юдми руску бхарі нуксан утхана падраха хай. खारकीव में इन तस्वीरों में रूस के नुकसान को देखा जा सकता है। ये रूसी सैनिक हैं जो यूक्रेनी सैनिकों के टैंक पर किए गए हमले में मारे जा चुके हैं। खारकीव के इन गांवों पर यूक्रेन का फिर से कब्जा हो चुका है। इन 77 दिनों में युद्ध में सैनिक सहित भारी संख्या में आम लोगों की मौत हो चुकी है। अब संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वालों की संख्या जो अब तक बताई जा रही है वो गलत है। मौत के आंकड़े इससे काफी ज्यादा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार रूस पर नए नए प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से सैन्य मदद की गुहार लगाई और साथ ही रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। Зараз Європейський Союз погоджує вже шостий санкційний пакет проти Російської Федерації, і це потрібний пакет, включно з тими енергетичними обмеженнями, які для цього і для нього передбачаються. І я розумію, що для вас і для деяких держав ще у цьому є складність, що для Словаччини питання про російську нафту і можливість її заміщення не є питанням про моментальні дії. युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने दावा किया है कि पुतिन सिर्फ डोनबास पर कब्जा करके ही नहीं मानेंगे बल्कि ट्रांसनिस्ट्रिया तक अपनी फौज भेजेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने ये भी कहा कि अगर रूस अलग थलग पड़ गया तो पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The next month or two of fighting will be significant as the Russians attempt to reinvigorate their efforts, but even if they are successful, we are not confident that the fight in the Donbas will effectively end the war. We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbas. रूस आगे क्या करना चाहता है ये तो केवल राष्ट्रपति पुतिन को ही पता है, लेकिन रूसी हमले लगातार जारी हैं। लुहांस की इन तस्वीरों में भी रूसी हमले को देखा जा सकता है। भले ही यूक्रेन में युद्ध चल रहा है लेकिन नेटो देशों में दहशत तो है। जर्मनी में नेटो सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पुतिन पहले ही कई बार नेटो देशों को धमकी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।